Hey guys, it's Vijay here. So guys, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने जो मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स हैं उसको आप हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा सिंपल भी नहीं है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। तो मैं इसमें आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाने वाला हूँ कि आपको हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ेगी और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। क्योंकि मेरे जो मैकेनिकल डिस्क ब्रेक थे, ट्रैक्टर के मैकेनिकल डिस्क ब्रेक थे, वो काम तो बिल्कुल परफेक्ट कर रहे थे, बट मेरा जो शिफ्टर था, जो 7 स्पीड शिफ्टर लगा के रखा था शिमानो टर्नी का, वो एक्चुअली शिफ्टर खराब हो गया था। एंड मुझे अपनी बाइक को 9 स्पीड में कन्वर्ट भी करना था। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया कि मैंने अपनी बाइक को 9 स्पीड में कन्वर्ट कर दिया है। तो 9 स्पीड में कन्वर्ट करने के लिए उसके जो शिफ्टर्स आते हैं वो विदाउट ब्रेक लीवर आते हैं, जी हाँ, और मुझे अलग से एक ब्रेक लीवर खरीदना पड़ता। तो एक अलग से ब्रेक लीवर का खर्चा भी 500-600 रुपए से स्टार्ट हो जाता है। आपको अगर अच्छे ब्रेक लीवर्स लेंगे तो आपको करीबन 700-800 रुपए का पड़ेगा। ट्रैक्टरों का ब्रेक लीवर देखा था मैंने, 700-800 रुपए का मुझे दिखा था। तो मैंने सोचा कि अगर 700-800 रुपए अगर मुझे मैं डाल ही रहा हूँ तो इससे अच्छा है कि मैं 1400-1500 रुपए लगा के एक अच्छा सा शिमानो का हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक में कन्वर्ट क्यों ना कर लूँ। तो इसी कारण मैंने अपने जो डिस्क ब्रेक है वो मैकेनिकल डिस्क ब्रेक की जगह मैंने अपने हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक लगाए हुए हैं। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ कि आपको मैकेनिकल डिस्क ब्रेक से हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या चीज करनी पड़ेगी। तो चलिए गाइस, ज्यादा टाइम नहीं हुआ तो फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये है हमारा शिमानो हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक का पैकेजिंग, एंड हमने केवल रियर डिस्क ब्रेक को ही अपग्रेड करा है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि हमारा जो रियर शिफ्टर था केवल वो खराब हुआ था। तो हम चलिए इसको फटाफट इंस्टॉल कर लेते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ आगे। ये है हमारे ब्रेक कैलिपर्स के स्क्रूज, एंड उसके साथ जो ब्रेक लीवर्स के हमारे पिंस एंड कैप। सो गाइस, उसके बाद हमारा जो पुराना डिस्क ब्रेक कैलिपर लगा हुआ है, मैकेनिकल डिस्क ब्रेक कैलिपर, उसको हम रिमूव कर लेंगे एलन की मदद से। ये देखिए, आपको बस आपके 2 स्क्रूज आपको रिमूव करने हैं और आपकी जो असेंबली है वो बाहर आ जाएगी। एंड देन उसके बाद हमारा जो ब्रेक लीवर है उसको हम हैंडलर पर अच्छे से फिट कर देंगे, ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे। एंड उसके बाद जो ब्रेक कैलिपर है, जो हमारा शिमानो हैंडलर डिस्क ब्रेक का कैलिपर है, उसमें ब्रेक पैड्स के बीच में जो कैप दिया होता है आप उसको निकाल दीजिए। एंड देन उसके बाद आपका जो असेंबली है उसको फिट कर दीजिए। उसके लिए वही आपके जो 2 स्क्रूज हैं उसको आप अच्छे से टाइट कर दीजिए। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना, आप पहले देख लीजिए कि वो अच्छे से सेट हो गए कि नहीं। वो बिल्कुल परफेक्टली मिडिल करने चाहिए ताकि जो आपकी डिस्क रोटर है वो ज़्यादा उससे टकराए ना। ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप बस टायर्स को एक बार थोड़ा घुमा के देख सकते हैं, और जैसे ही घुमाने के बाद आपको परफेक्टली वो एडजस्ट हो जाएंगे। ये समझ लीजिए आपका जो ब्रेक कैलिपर है वो अच्छे से सही बैठ गया है। एंड देन उसके बाद जो हमारे कैलिपर्स के स्क्रूज हैं उसको हम परफेक्टली टाइट कर देंगे, अच्छे से टाइट कर दीजिए ताकि आपका जो कैलिपर है वो बिल्कुल लूज ना रहे। क्योंकि कैलिपर अगर लूज रहेगा तो आपके कभी कभी वो डिस्क रोटर से टकराते रहेंगे आपके जो ब्रेक पैड्स हैं, तो इसलिए आपके जो ब्रेक कैलिपर हैं उसके परफेक्टली मिडिल होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, परफेक्टली फिट हो गया है, कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है डिस्क रोटर से ब्रेक पैड्स के टच होने की। तो चलिए गाइस, उसके बाद सबसे मेन प्रोसेस आता है आपका जो लीवर है, आपको उस लीवर से आपका केबल हाउसिंग को पूरा निकाल लेना है। देखिए, इस तरह से आपका जो केबल हाउसिंग है आपको केबल को निकाल लेना है, क्योंकि आपकी ये जो केबल है इसकी लेंथ बहुत बड़ी आती है, आपकी इसकी लेंथ को एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको काटना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंट बाइक फ्रेम साइजेस के अकॉर्डिंग ये केबल की लेंथ दी जाती है। क्योंकि काफ़ी सारी बाइक्स में इंटरनल केबल राउटिंग होती है जिसमें काफ़ी ज़्यादा केबल लगी होती है। तो चलिए, सबसे पहले इसका जो आगे का कैप है उसको हम कट कर देते हैं, और ये कैप हम इसलिए कट कर रहे हैं ताकि हमारी जो बाइक फ्रेम में केबल के लिए जो जगह दी गई है उस जगह से हम इसको इंसर्ट कर सकें। ये देखिए, अगर आपकी इंटरनल केबल राउटिंग है तो आप उसमें इंटरनल केबल राउटिंग में से आप अपना जो केबल है वो इंसर्ट कर सकते हैं, और अगर आपका एक्सटर्नल राउटिंग है तो आप उस तरह से आप लगा सकते हैं। जैसे देखिए, मेरा ये एक्सटर्नल केबल राउटिंग है तो मुझे एक्सटर्नली इसको फिट करना पड़ेगा अब। बट जो पहले एक्चुअली क्या ना, सिर्फ वायर के लिए एक हाउसिंग की जगह दी हुई थी, बट उस हाउसिंग में ये मेरा जो केबल है वो आएगा नहीं, क्योंकि इसका जो हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक का जो केबल है वो काफ़ी ज़्यादा मोटा है। तो इसके लिए हम जिप टाई का यूज़ करेंगे उसको साइड में बांधने के लिए। ये हम थोड़ा टेम्पररी जुगाड़ कर रहे हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट हम उसको अच्छे से कैसे फिट कर सकते हैं ताकि वो ज़्यादा एक्सपोज ना रहे। देखिए, दोनों तरफ हम अभी हाल फिलहाल जिप टाई बांध देते हैं, एंड देन उसके बाद हमारी जो केबल है उसको शॉर्ट कर देंगे आपके बाइक साइज के अकॉर्डिंग। एंड गाइस, ये जो केबल है इसको हम डायरेक्टली इंसर्ट नहीं कर सकते, ये काम नहीं करेगा,
इससे पहले जो मैंने आपको इनिशियली जो मैंने कैप और पिन दिखाए थे, उस कैप और पिन को हम इसको केबल में लगाना पड़ेगा। ये देखिए, एक गोल्डन कलर की कैप आप देख सकते हैं और एक गोल्डन कलर की पिन, ये देखिए, ये दोनों को हमको इस केबल के माउथ में लगाना पड़ेगा, तब जाके ये हमारा जो केबल है वो अंदर फिट बैठ पड़ेगा अपने ब्रेक लीवर में, ये देखिए। और उससे पहले आपको इसकी जो केबल की स्लीव्स एंड लॉक नट, ये दोनों पहले इंसर्ट अंदर डाल दीजिए, एंड उसके बाद आपका गोल्डन कलर का कैप एंड देन उसके बाद पिन। और उसके बाद भी ये जो पिन है, अगर आपकी नहीं जा रही है तो आपका जो केबल का माउथ है वो उसको बड़ा कर दीजिए। कोई भी एलन की का यूज़ कर सकते हैं या कोई दूसरी चीज़ का यूज़ करके आप उसका माउथ बड़ा कर सकते हैं। तो ये माउथ बड़ा करने के बाद आपकी जो ये पिन है वो इजीली चले जाएगा, और अगर तब भी नहीं जाए तो आपको केबल को एक अच्छे कपड़े से होल्ड करके आपके कोई भी प्लायर से आप पकड़ सकते हैं या हाथ से पकड़ सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे। उसके बाद इस पर थोड़ा हैमरिंग करना है, आप उसके लिए कोई स्पैनर ले सकते हैं या कोई भी छोटा सा हैमर ले सकते हैं। आप देख सकते हैं ये इस तरह से आपको ये इंसर्ट हो जाएगी आपकी जो पिन है, एंड देन उसके बाद जो गोल्डन कैप है उसको ऊपर की तरफ करके हमारा जो ब्रेक लीवर है उसमें इंसर्ट कर देंगे, और फिर उसके बाद ये जो लॉक नट है उस लॉक नट को हम टाइट कर देंगे, ये देखिए। चलिए इसको लॉक नट को जल्दी से मैं टाइट कर देता हूँ, एंड देन उसके बाद हम हमारी स्लीव्स लगा देंगे। एंड देन उसके बाद अगर आपका ब्रेक लीवर काफ़ी लूज है तो उसके लिए आपको इसमें हाइड्रोलिक ऑयल और रिफिल करना पड़ेगा, और रिफिल करने के लिए आपको, आप देख रहे हैं ये जो स्क्रू है, आपको ये स्क्रू निकाल के इसमें रिफिलिंग कैप को इंसर्ट करना पड़ेगा। ये देखिए कुछ इस तरह से थ्रेडेड रिफिलिंग कैप रहती है, तो इसको आप यूज़ करके आप अपना जो ऑयल है इसमें इंसर्ट करना पड़ेगा, इसमें डालना पड़ेगा, ये देखिए। इसके बाद आपका जो शिमानो हाइड्रोलिक ऑयल है वो आप डाल दीजिए, और इसको डालने के लिए आपको आपके ब्रेक लीवर्स को स्क्वीज करना पड़ेगा, ये देखिए। आप ब्रेक लीवर्स दबाएंगे तो जो एयर बबल्स होगा वो एयर बबल्स आपको दिखने चालू हो जाएंगे, इसका मतलब ये कि अंदर की जो एयर है वो बाहर आ रही है और जो ऑयल है वो अंदर की तरफ जा रहा है। और आपको इसको रिफिल करने के लिए आपको हर एंगल पे इसको अच्छे से ले जाके स्क्वीज करना पड़ेगा, ताकि जो ऑयल है वो केबल में अच्छे से चले जाए। ये देखिए, एलिवेटेड चाहे हो चाहे फिर स्लोपिंग एंगल में हो, आपको हर एंगल पे इसको स्क्वीज करते हुए देखना है, और उसके बाद आपको केबल पे थोड़ा सा हाथ से मार के या फिर कोई दूसरे टूल से आपको स्ट्राइक करके आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर हम जो रिफिलिंग कैप है उसको पैक कर देंगे, उस पैक करने के लिए आप कोई भी ईयरबड का यूज़ कर सकते हैं, कोई भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, एंड देन उसके बाद हमारा जो स्क्रू था उस स्क्रू को हम वापस टाइट कर सकते हैं, और स्क्रू में एक छोटा सा वॉशर भी लगा होता है ताकि आपका जो ऑयल है वो वापस बाहर की तरफ स्पिल ना हो। सो गाइस, ये था हमारा इंस्टॉलेशन, अब हम हमारी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस चेक करेंगे। तो उसके लिए मैंने अपनी जो फिंगर्स हैं, मैंने सारी फिंगर्स से भी एक बार लगा के देखा, अपनी सिंगल फिंगर इंडेक्स फिंगर से भी लगा के देखा, एंड टू फिंगर से भी करके देखा, एंड लिटिल फिंगर से भी करके देखा, तो जो ब्रेकिंग है वो बिल्कुल सेम मिल रही थी, मुझे ज़रा सा भी एफर्ट लगाना नहीं पड़ रहा था किसी भी सिंगल फिंगर से करने में भी, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी इसकी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस, क्योंकि हाइड्रोलिक ब्रेक्स में यही खासियत होती है कि आपकी जो परफॉर्मेंस होती है आपको उसमें ज़रा सा भी प्रेशर नहीं देना पड़ता, आपको परफॉर्मेंस हमेशा सेम ही मिलेगी। तो चलिए गाइस, एक ब्रेकिंग टेस्ट करके देख लेते हैं, उस ब्रेकिंग टेस्ट में मैं सिर्फ एक फिंगर से ब्रेकिंग करके दिखाऊंगा आपको। तो उसके लिए एक मार्किंग हम कर देते हैं, ये ड्राई ग्रास की मैंने मार्किंग कर रखी है, और मैं सिंगल फिंगर से आपको ब्रेकिंग करके दिखाता हूँ, और सिर्फ रेयर ब्रेक्स लगाऊंगा मैं। ये देखिए आप, मैं जो सिंगल ब्रेकिंग करने पे भी जो टायर है वो बिल्कुल मूव नहीं हुआ। दोबारा देखिए, जो रिफ्लेक्टर्स आप देख रहे हैं पीछे वाले टायर के, बिल्कुल मूव नहीं हो रहे थे, तो बिल्कुल एग्जैक्ट ब्रेकिंग मुझे मिल रही थी। सो गाइस, देखा आपने, मैंने अपने मैकेनिकल डिस्क ब्रेक को हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक में किस तरह से कन्वर्ट कर दिया है, तो इसमें मुझे अपने डिस्क रोटर को चेंज करने की जरूरत भी नहीं पड़ी है, क्योंकि अगर आपका डिस्क रोटर सही है तो आप उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप डिस्क रोटर को चेंज करेंगे तो आपको 600-700 रुपए का खर्चा दोबारा बढ़ जाएगा, तो इसलिए आपका पहले वाला रोटर अगर सही है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। इसमें आपको परफॉर्मेंस में इतना ज्यादा अंतर आपको पता नहीं लगेगा। तो मैकेनिकल से हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक में कन्वर्ट करने के बाद परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्योंकि आपको हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक में जरा सा आपको प्रेस करने में आपके जो ब्रेक्स है काम करने लग जाते हैं, और मैकेनिकल में आपको आपका पावर लगाना पड़ता है फिंगर्स का, तो आप हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक में कन्वर्ट करेंगे तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा बेटर रहेगा। आप अगर मैकेनिकल डिस्क ब्रेक से खुश नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है आपकी इसकी मैकेनिकल डिस्क ब्रेक की परफॉर्मेंस से, तो आप हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए गाइस, हम हमारा वीडियो यही फिनिश करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो
भाई प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट करिए मेरे चैनल को, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। चलिए गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।